हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो घटना चक्र है आर्थिक सामाजिक विकास का, इसके बारे में आज हम लोग इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं कि यह बुक कैसा रहेगा, अगर यह बुक क्या आप लोग के लिए हेल्पफुल करने वाला है या नहीं भी। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं कि क्या यह वीडियो के माध्यम से कि यह जो बुक है घटना चक्र है, क्या ये झारखंड पीजीटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है या अन्य कोई भी बोर्ड का या कोई भी स्टेट का अगर पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईएएस आईपीएस यूपीएससी किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है या नहीं भी होने वाला। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर करते हुए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह जो किताब है इसका जो कैसा देखिएगा इसका बैक कवर, ये चीज़ तो आप देख पा रहे हैं। इसका जो प्राइस है 360 रुपया दीवा है, ये 2022 का लेटेस्ट वर्जन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसका प्राइस वगैरह सारा लिखा हुआ है। और अगर इसका फ्रंट कवर देखें तो कैसा दिखता है ये भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है हल प्रश्न पत्र 2022 दिया है, घटना चक्र समसायकी दिया है। इसके बाद देखिएगा पूर्वालोकन जो लिखा है सामान्य अध्ययन, और यहाँ पर आप देखिएगा इसका 50 रुपये कैशबैक भी देता है आपको यहाँ पर करने के लिए। और देन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिविजन नोट्स भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 भी आपको मिल जा रहा है और आर्थिक समीक्षा 2021-22 भी आपको दिया गया है, इसके साथ आपको दिया गया। तो अब देखते हैं कि इसके थोड़ा सा इसका अंदर हम पेज देख लेते हैं कि क्या है और कैसा है या नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम पलट लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर वाइज दिया हुआ, जैसे कि आपको सबसे पहले मिलेगा नोट्स, ठीक है, रिवीजन नोट्स, मतलब ये थोड़ा सा इसको पढ़ करके आप रिवीजन कर लीजिए इसके। देन इसके बाद आप थोड़ा सा यहीं पर अपने प्रश्न का जो हल है इसको कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये यूपी है ना, यूडीए एलडीए या इत्यादि में पूछा, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, सवाल जो है। इसके बाद देख रहे हैं आगे बढ़िएगा तो फिर आपको नेक्स्ट अगला चैप्टर मिलेगा सतत आर्थिक विकास के बारे में, इसको फिर रिवीजन कीजिए, फिर इसका क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे बढ़िएगा तो आपको नेक्स्ट अगला चैप्टर मिलेगा। इस प्रकार से टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको मिलता चला जाएगा और देन आप रिवीजन कर करके और उसका क्वेश्चन बैंक बनाइए तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, और आप ऐसा कर सकते हो तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप चाहो तो इस बुक को खरीद सकते हो, नो डाउट, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाँ देखिए यहाँ पर ये तृतीय क्षेत्र सेवाएं, तो ये तृतीय क्षेत्र से जितने सारे सवाल बनते हैं सेवा क्षेत्र से, ये सारे रिवीजन नोट्स लिखा हुआ है। इसके बाद इसके आगे जस्ट पलटिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ भी आपको मिलेगा नोट्स ही। इसके बाद इधर आपको सवाल पूछा गया है कि भारत में सेवा क्षेत्र सम्मिलित है खनन व उत्खनन, होटल्स, परिवहन, संचार, वानिकी एवं है ना मत्स्यिकी, तो इसका आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल 2 और 3, ये 2 और 3, ठीक है, मतलब खनन तो होगा नहीं और ये मात्स्यिकी भी होगा नहीं, तो दोनों जगह प्राथमिक तो ये सेवा क्षेत्र में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है सो थोड़ा सा राजकोषीय नीति के बारे में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके देन आप आगे पलटिएगा नोट्स के आगे तो यहाँ को मिल जाता है कुछ सवाल जो आईएएस प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। ये सारे सवाल बीपीएससी यूपीएससी जेपीएससी ये जितने भी सारे स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, ये और आईएएस का प्री जो एग्जाम जो पूछा गया है, ये सारे सवालों का जवाब सॉल्व करके और थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल हो बढ़ा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो हमें इस के माध्यम से आप बताएं कि यह वीडियो कैसा रहा या ना रहा।